Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hi guys, welcome back to my channel, Bokar Girl. तो आज हम लोग बहुत दिन के बाद घूमने जा रहे हैं जी एक्सटेंशन. तो चलो तो गाइस बहुत दिन के बाद आज का ये व्लॉग हमने सोचा है कि हम बनाएंगे. एक्चुअली में हम जी एक्सटेंशन जा रहे हैं थोड़े से ग्रोसरी शॉपिंग करने, और ये बच्चा दोनों को बहुत दिन के बाद बाहर ले जा रही हूँ मैं. तो लेट्स सी क्या होता है ना. तनु भाई अब एक्साइटेड है इतना दिन का बाहर निकल के. ये लोग घर पे ही था बहुत दिन से. हम किसके साथ जाएंगे? हम है माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट में. इस वक्त ये दोनों को ट्रीट कर रहा है. जा भाई, भैया उधर बैठो, भैया का भाई का सब बैठो. जा उधर बैठो. हाँ चलो, इससे मैं करता ना. बहुत बड़ा है देखो ना. देखो गाइस, एक फुल प्लेट मोमो खा के और हाफ प्लेट चाव खा के ये बच्चा का हालत क्या हो बता तनु, क्या हो रहा है? क्या दर्द हो रहा है? चलने तकलीफ हो रहा है? ये किस किस का फेवरेट चराई है? पोलो का चराई? बोलो किस किस का फेवरेट चराई? लास्ट फेवरेट उनसे फेवरेट तो है ना. और तरित भैया का फेवरेट है बोलते हैं. एकदम ये चराई घटा देते हैं जितना भी खाओ ना. तनु ना तनु, ये आपका पतला होने का राज है ना, बताओ तो. ये है आपके पतलेपन का राज. तनु भाई कहाँ जा रहा है? मत बैठो, गंदा मत बैठो, मत बैठो. बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, गंदा है, गंदा है. सीधा करो, सीधा करो, सीधा कराओ. गाइस मैंने रेनी डेज के लिए ये लिया है, देखिए. तो गाइस हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं और हमने फ्रेश अप कर लिया है. हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि
वीडियो का एंड करना है। तो आज के ब्लॉग में हमने जो शॉपिंग की है उसे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। तो हम गए थे मैक्स मार्ट और एक और शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग की जगह जहाँ पे हम गए थे, वहाँ से मैंने बस शैम्पू ही लिया था। और ये है कॉफ़ी जो मुझे एम मार्ट से मैंने देखा, ये है कोल्ड कॉफ़ी और ये 50 रुपये का ही है और बहुत ही टेस्टी है, इतना भी मीठा नहीं है लेकिन अच्छा है ये कोल्ड कॉफ़ी। और 50 रुपीज़ में इतना मिलना तो अच्छी बात है, मुझे तो पसंद ही आया। और ये देखिए गाइस, तेज पत्ता लिया है मैंने 20 रुपीज़ और मैंने ली है ग्रीन टी लेमन और हनी वाली। मैंने ग्रीन टी पीना छोड़ दिया था, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं शुरू कर दूंगी ग्रीन टी पीना। तो मैंने लिया है घाया का ग्रीन टी लेमन एंड हनी वाला। उसके बाद ये दूसरे वाले ग्रोसरी स्टोर से मैंने लिया है शैम्पू लोरियल का, ये एक नया निकला है ड्रीम लेंथ करके, ये स्टोरिंग शैम्पू है, इसे मैं इस्तेमाल करके देखूंगी। उसके बाद कल हमारा छोटू नेफ्यू वापस आ रहा है मम्मी के साथ, तो ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसे मिस कर रहे थे ना तनवाय, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उसका अभी दांत इतना निकला है कि वो ब्रश करे, लेकिन थोड़ा मोरा निकल ही गया है, तो मैंने उसके लिए प्यारा सा क्यूट वाला टूथ ब्रश ले दिया है। ये देखिए गाइस, आई होप कि उसे पसंद आएगा क्योंकि अभी उसका धीरे धीरे दांत निकलना शुरू हुआ है, तो वो अपने भैया दोनों के टूथ ब्रश को ही लेके चबाते रहता है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए ये टूथ ब्रश ले दिया है। और ज्यादा कुछ नहीं लिया है मैंने, खाने के लिए पापड़। और ये फर्स्ट टाइम गाइस मैं एक चीज ट्राई करने वाली हूँ, वो है ये याकूट, कभी भी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, बट मैंने बहुत ज्यादा देखा है, तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। इसी की ही तरह है लव योर इंटेस्टाइन लिख के रखा है यहाँ पे, तो याकूट ये 5 पीस का 70 रुपीज कहता है जो कि अच्छा है। तो देखिए गाइस, लो अभी नहीं आया तनु के हाथ से ठंडा करके, और ये मेरे लिए, चलो पी के देखते हैं। कैसे होगा होगा, चलो वन, कभी पी के नहीं देखा, एक ही बार पीने क्या एक। ये लस्सी की ही तरह है, लस्सी की ही तरह है, ये कुछ तेज को पी लेगा, बहुत डिलीशियस है। तो गाइस वीडियो को यही तक एंड करते हैं, कल हो सके तो कल फिर हम ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि कल आ रहा है इंदर का छोटू भाई और हमारा सबसे प्यारा लाडला नेफ्यू। तो यही तक वीडियो को एंड करते हैं ना, चलो तब तक के लिए बाय बाय।